एक साथ आई चीन और पाकिस्तान को रातों रात तबाह करने वाली खबर। पाकिस्तान के एनएसी मोइन यूसुफ ने कबूला, पाकिस्तान की तबाही हो चुकी है शुरू। चीन और भारत के बीच 14वें दौर की बातचीत से पहले कौन सा दुश्मन कर रहा है पीएलए जवानों की हत्या। इस वीडियो में दोस्तों हम दोनों खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और चीन से जुड़ी दो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो भारत को सुकून देने वाली है। अब पाकिस्तान का जो हाल होने वाला है किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान के एनएसए मोइन यूसुफ ने जो बातें बोली है उससे पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान समेत सभी आला अधिकारियों को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ रही है। उधर दूसरी ओर एलएसी बॉर्डर पर चीनी सेना के जिस तरह से मौत हो रही है उसे एक बार फिर से शी जिनपिंग हैरान हो गया है और भारत से 14वें दौर की बातचीत करने का पैगाम भेज रहा है। दरअसल जिनपिंग का डर लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब अमेरिका भी भारत के लिए अपना खुला समर्थन दे चुका है। वहीं चीन का एक और दुश्मन एलएसी सीमा पर अपनी फौज उतार चुका है जिसके आगे चीनी सेना बिना लड़े ही खौफ से मरती जा रही है। दोनों ही खबरों पर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पाकिस्तान के एनएसए मोइन यूसुफ ने क्या कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की कुर्सी के नीचे से जमीन खिसक गई है। दरअसल पाकिस्तान की तबाही की शुरुआत हो चुकी है जिसको मोइन यूसुफ खुद ही कबूल रहे हैं। मोइन ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अब मौत के कुएं की ओर बढ़ रहा है। दरअसल वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तिजोरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है और जरूरतमंद चीजों के लिए दूसरे देशों से उधार लेने पड़ रहे हैं और अब पाकिस्तान पूरी तरह से गुलामी के दलदल में फंसने वाला है। जिन देशों से पाकिस्तान से उधार ले रखे थे उनके हाथों पाकिस्तान अब गुलाम हो सकता है। चीन और भारत के बीच 14वें दौर की बातचीत से पहले बॉर्डर पर भारत समेत चीन के दुश्मन देश हुए एक। दोस्तों गलवान घाटी में जिस तरीके से चीनी सेना के हाथ और मुंह को पीट पीट कर सूजा दिया गया था आज तक चीन भुला नहीं पाया होगा। भारत और चीन के बीच 3440 किलोमीटर की लगती हुई सीमा है जिसको लेकर 1962 से ही मतभेद चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से चीन की सेना की मौतें हुई है उससे बीते 24 घंटों में जिस तरीके से एलएसी सीमा पर तनाव में इजाफा हुआ है उससे चीन काफी परेशान दिखने लगा है। दरअसल अब एलएसी सीमा पर भारत का साथ देने चीन के दो और दुश्मन अमेरिका और दूसरा दुनिया का सबसे खतरनाक चीन का दुश्मन है जो भारत के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन को राख करने की कमर कस चुका है। सबसे पहले अमेरिका के बारे में बता देते हैं, उसके बाद चीन के दूसरे दुश्मन की तैयारियों की बात करेंगे जो भारतीय सेना का खुला समर्थन कर चुका है। दरअसल भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत हुई, चीन एक बार फिर से भारत को तराजू में तोलने की कोशिश करने वाला है। उससे पहले सुपर पावर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बीजिंग में बैठी जिनपिंग के लिए जो ऐलान किया उसको सुनकर चीनी ड्रैगन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 13वें दौर की बातचीत फेल होने के बाद अब चीन 14वें दौर की बातचीत के लिए भारत के साथ एक टेबल पर बैठकर मतभेद को सुलझाने में लगा। उधर भारत चीन से अब तक हुए बातचीत में अपने एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर अमेरिका भी कई बार चीन को चेतावनी दे चुका है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर विराम लगा दे, नहीं तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। अब एक बार फिर से व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कोई हवा हवाई नहीं है। ड्रैगन जानता है कि भारत से युद्ध हुआ तो अमेरिका युद्ध के मैदान में कूदने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत और चाइना के बीच जिन स्थानों पर मतभेद के कारण युद्ध की स्थिति बनी हुई है उस पर व्हाइट हाउस भी नजर रख रहा है। इससे पहले भी जो बाइडेन ने एक भारतीय मूल की महिला को एलएसी बॉर्डर की पल पल की जानकारी अमेरिका को भेजने की नियुक्ति दी थी। अब आइए आपको बताते हैं वे दूसरा चीन का दुश्मन कौन है जो भारतीय सेना का सहयोग कर रहा है और अपनी आदर्श शक्ति की मार से चीनी सेना के जवानों की मौत के घाट उतार रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से चीन ने 14वें दौर की बातचीत के लिए हामी भरी। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि प्रकृति है जिसकी मार से एलएसी बॉर्डर पर चीनी सेना दम तोड़ रही है, तो वहीं भारतीय सेना के जवान इन इलाकों में एक अचूक चट्टान की तरह जमे रहते हैं। एलएसी बॉर्डर पर चीन की पीएलए सेना तापमान और वातावरण से परेशान होकर हार मानने लगी है। वहीं चीनी सेना के टॉप कमांडर बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं जिनमें कईयों की मौत हो चुकी है और ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
चीनी सेना के उच्च अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में चीनी सेना या तो दम तोड़ रही है या तो खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रही है। बीजिंग के मिलिट्री साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी के नजदीक ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात चीनी सेनाओं को कम ऑक्सीजन, कम तापमान, कम वायुदाब के कारण इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से चीनी सेनाओं को खतरनाक बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एलएसी पर जितने भी इलाके हैं जहां पर चीन से विवाद चल रहा है उनमें से ज्यादातर इलाके बहुत अधिक ऊंचाई वाले हैं, जहां के इलाके 11 से 18,000 फीट ऊंचे हैं। ऐसे में चीनी सैनिकों को ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। अगर भारतीय सेनाओं की बात करें तो जवानों को इन इलाकों में रहने का अच्छा तजुर्बा हासिल है, वहीं भारतीय सैनिकों को इस वातावरण का आदि बनाने की एक प्रक्रिया भी है जिसके लिए हर भारतीय जवान को एक ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि चीनी सेना में अनिवार्यता के रूप में हर चीनी को 2 साल की सेवा पीएलए में शामिल होकर देनी पड़ती है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी कम होती है और इनको तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर कम तापमान में रहने का कोई अनुभव भी नहीं होता है, जिसके कारण उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में चीन के जवानों को इन वातावरण से बचाने के लिए बंकरों का निर्माण किया गया, जहां के कमरों में तापमान को गर्म करने के लिए हीटर लगे होते हैं, जिसके कारण कमरे का तापमान उच्च और बाहर का तापमान निम्न होता है, जिसके कारण चीनी लगातार बीमार पड़ रहे हैं। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो पिछले लगभग 4 दशकों से इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में रहने का तजुर्बा हासिल हो चुका है। देश की आजादी के बाद से ही भारतीय सेना इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहां तापमान बहुत कम होता है वहां पर तैनात है। सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के लगभग 1 से 1.5 लाख जवान 10 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान जहां शून्य से नीचे रहता है वहां पर तैनात होते हैं। इतना ही नहीं, भारत में निम्न तापमान वाले इलाकों में एक इंस्टीट्यूट भी है जहां पर सालों साल कम तापमान में जवानों को रखकर ट्रेनिंग दी जाती है और आर्मी के हर जवान को इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही आर्मी के जवान की पहली या दूसरी पोस्टिंग सीधे इस इलाके में होती है और अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान 4 से 5 बार इन इलाकों में तैनात होना पड़ता है, जिसके चलते भारतीय फौज को इन स्थानों पर रहने में बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं चीनी सेना के जवान 2 साल अपनी सेवा देने के पश्चात फिर से अपने समान नागरिक के जीवन में वापस से लौट जाते हैं, जिसके कारण उनके लिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पाना उनके शरीर को हर मौसम के हिसाब से ढलना बहुत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और भारतीय सेना के लिए अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा।